अभी बोल। चालू हो गया कैमरा, देख तेरा वीडियो आ रहा है, दिख रही है क्या तू? एकदम मस्त ना आदमी ला। तो भाई लोग, गूगल मैप ने ऐसी गली में डाल दिया है मुझे, आई डोंट नो कौन से रास्ते में लेके गए, शॉर्टकट बता के। मेरी यहाँ से जान निकल रही है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 12 और ये रही मेरी छोटी सी फैमिली यहाँ पे। ये है युवराज, ये है गीता, एक वहाँ पे सो रखी है। तो अभी हम लोग नहीं, अभी मैं निकल रहा हूँ राइड के लिए और अलग एक्साइटमेंट है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने बाइक कर दी रेडी, मैंने अपना पैनियर्स टॉप बॉक्स सब सेट कर दिया, बस थोड़ा खुद रेडी हो गए, निकलना है नीचे बस। तो इसमें शायद से और आधा घंटा लग जाएगा। तो एक बार जैसे बाइक पे आ जाता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ। चीयर्स। तो भाई लोग, बाइक कुछ इस तरह लग रही है, फुली सेटअप पूरा इंस्टॉल कर दिया है, पैनियर्स यहाँ पर, थोड़ा लगेज, ये एक एक्स्ट्रा जैकेट लेके चल रहे हैं और एक एक्स्ट्रा हेलमेट भी है इसके अंदर। तो बाइक तो हो चुकी है रेडी, हम भी हो चुके हैं रेडी ऑलमोस्ट। अब मॉम आ रही है, थोड़ा मॉम का वेट करते हैं और बाइक निकलते हैं। तो हेलो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं मोटो व्लॉग मोड पे और अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और ऑलमोस्ट टाइम अभी क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 1 बज रहे अभी, ठीक है। अपन ऑलमोस्ट 1 बजे निकल रहे हैं यहाँ से। तो हाय लोग, अभी हम लोग ऑलमोस्ट नियर बाय नायगांव है, आई थिंक सो, मैं वो श्योर नहीं हूँ, बट नायगांव के आसपास पहुँच चुके हैं। तो भाई लोग, अभी हम लोग यहाँ पे चाय ब्रेक के लिए रुके थे डिसेंट दरबार होटल है और भाई हो रहे अपने, ठीक है। मीडियम ऑन जो लगा हुआ है इसका क्वालिटी चेक कर रहे हैं, नायगांव से लाइक क्या ही क्वालिटी दे रहा होगा ये। अपनी लाइट तो एकदम लाजवाब काम कर रही है, आई होप आप लोगों को दिख रहा है। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वापी और ये बाइक इधर कुछ पार्क्ड है और अभी अपने साथ और एक राइडर भैया इंक्लूड हो गए जो कि अहमदाबाद जा रहे हैं और वहां से उदयपुर जाएंगे। तो अभी साथ में चलने का प्लान बन रहा है। अभी ठंडी हवाएँ चल रही है और बॉडी एकदम थरथर थरथर थर काँप रही है। अपना जैकेट सब बंद कर दिया है, वेंटिंग सब बंद है भाई और बाइक एकदम ठंड चल रही है। लाइट्स, ओ माय गॉड, लाइट्स तो बोलो मत, मिलता हूँ अभी। तो गाइस, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है, ये अपनी सुजुकी की इको, ये ट्रक वाले भैया का। दिस इज सैड, आई होप सब लोग सेफ हो, कोई भी ज़्यादा इंजर्ड ना हुआ हो। तो गुड मॉर्निंग गाइज, हमारा स्वागत हुआ है ट्रैफिक के साथ, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग यहाँ ट्रैफिक में फंस गए हैं, अभी ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर तो हम लोग ट्रैफिक में निकल के आ गए। अब यहाँ से रास्ता है या नहीं है देखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे शॉर्टकट लेने पड़ते हैं हम लोग को, बीइंग अ बाइकर करना पड़ता है। अभी देखो ये इतना डेंजरस है ये वाला, बट अपनी बाइक क्या इसके पट्टे के नीचे से जाएगी, क्या बोलते हैं निकल गई। कोशिश करते हैं निकलने की नीचे से। इंजन यहीं पे हीट हो गया, ट्रैफिक मैंने उम्मीद भी नहीं किया था सुबह 7 बजे ऐसा ट्रैफिक मिलेगा। दिस इज़ लाइक शाम के एकदम पीक आवर्स में जो ट्रैफिक होता ना वैसा ट्रैफिक मिल गया,
फाइनली गाइस अभी हम लोग ने ट्रैफिक को क्लियर किया और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो क्या ही ज़बरदस्त ट्रैफिक है। इससे पता चलता है कि लाइक हम लोग 45 मिनट से ट्रैफिक में अटके हुए थे और लिटरली मुझे तो आज ऐसा फील हुआ कि भाई मैंने टॉप बॉक्स क्यों लगाया। बट फिर भी भाई लोग ने हमारा साथ दिया, थोड़ा हमारे साथ ही चल रहे थे, नहीं तो मुझे तो लगा भाई आज मैं रह गया पीछे। फिलहाल ये रहे अपने भाई, कुछ अलग सी खुशबू आ रही है। वो खुशबू क्या है वो पता नहीं, थोड़ी बदबू भी आ रही है और ये सूर्यदेव हमारे सामने एकदम सीधे सामने आ चुके हैं। सूर्यदेव क्या ही नजारा है, देखिए गाइस आपको कैसे लग रहे हैं सूर्यदेव सूरत में। अभी हम लोग शायद से सूरत में हैं तो भाई लोग फाइनली हम लोग आ चुके हैं नर्मदा फ्लाईओवर के ऊपर। इस ब्रिज के ऊपर आने के बाद ऐसा ही लगता है कि भाई अपन कुछ हेवन में बाइक चला रहे हैं, ठीक है कुछ अलग ही वाइब्स है इस ब्रिज के ऊपर। तो भाई लोग अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं MK फास्ट फूड वडोदरा में। तो अभी यहाँ पे प्लान है थोड़ा सा कुछ खाया जाए, एक्चुअली अभी बहुत भूख लग रही है मेरे को, भाई को नहीं लग रही है लेकिन मेरे को लग रही है। और यहाँ से अभी हम लोग दोनों अलग हो जाएंगे, एक भाई तो ऑलरेडी अलग हो गए। हाँ मैं बोला एक भाई तो ऑलरेडी अलग हो गए। अरे हाँ वो तो किधर चल गया। अभी बोल, चालू हो गया कैमरा, देख तेरा वीडियो आ रहा है, दिख रही है क्या तू? हाँ एकदम मस्त ना, हाथ मिला। तो गाइस अभी हम लोग ने ये MK फास्ट फूड में खाया चीज़ क्लब सैंडविच और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं टुवर्ड्स उदयपुर। लेट्स सी 311 किलोमीटर दिखा रहा है 6 घंटे का रास्ता, थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी है। भाई को बाय बाय करते हैं, चलो बाय मिलते हैं, अपन तो यहाँ जाएंगे, चलो फिर। हाँ हाँ भाई पक्का तुम भी पहुँच के मैसेज करो, मैं भी करता हूँ। तो भाई लोग गूगल मैप ने ऐसी गली में डाल दिया है मुझे, आई डोंट नो कौन से रास्ते में लेके गए, शॉर्टकट बता के मेरी यहाँ से जान निकल रही है, जान निकल रही है भाई। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मेरे को मोदा सा जाने का, मोदा ना वो राइट मारो ना, राइट नहीं तो मोदा वाला रोड आएगा, मेन रोड आएगा। यहाँ पे मुझे राइट बता रहा जाने के लिए, राइट है मेन रोड आएगा ना, बधु कपाई जाए तुम्हारा सीधे तुम जाओ बधु कपाई जाए, आखिर रोड कपाई जाए। क्या बोल रहे हो? सीधा जाओ मेन रोड आएगा ना, मेन रोड और राइट मान लो, लेफ्ट मान लो, लेफ्ट लेफ्ट तो चौकड़ी आएगी ना चौकड़ी, और लेफ्ट मान लो सीधा मोदे, यहाँ से जाओ ना। थैंक यू।
फाइनली जाके हम लोग अब भी निकले यहाँ से, यहाँ ही गली में घुसा दिया था। गूगल माता तुम्हारे को हमारा सलाम भाई, ऐसा मत करो हमारे साथ, ठीक है, ऐसा मत करो, बहुत मेहनत लगती है बाबा ये धूप में, थोड़ा बच्चे का समझो यार। तो गाइस अभी हो रहा है ऑलमोस्ट लाइक 1:34 और मैं समवेयर बिफोर मुदासा हूँ। मुदासा इज़ लाइक 30 किलोमीटर्स। फिलहाल हमने पास आई है ये रेडबुल, ठंडी वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इतना डिहाइड्रेट हो गया उन्होंने भी सर में रख गया, हालत देख रहे हो। कभी कभी राइड भारी पड़ जाती है, ऐसी बात पे लाइक मार दो यार, क्या आपको भी लगता है आप ओवर स्ट्रेस कर रहे हो। फिलहाल ये पीता हूँ, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट लेता हूँ, बहुत धूप लग रही है। इसके बाद उदयपुर में आज स्टे लेने का सोच रहा हूँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो भाई लोग अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, होटल दर्शन प्योर वेज, ठीक है। तो अभी मस्त वाला एक चीज़ मसाला डोसा आया है, थोड़ा बॉडी में एनर्जी आ गई है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अब हम लोग फटाफट उदयपुर पहुँच जाए, क्योंकि यार ये धूप ने ना बहुत इरिटेट कर दिया यार, मजाक नहीं करूँगा, धूप बर्दाश्त ही नहीं हो रही है यहाँ पे। रात को ठंडी नहीं बर्दाश्त हो रही थी, अभी धूप बर्दाश्त नहीं हो रही, आ रहा तो स्पीड अपना ठंडी और धूप ने बजा दी। पहले मैं सोचता था मॉनसून सबसे बेकार है, बट अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई विंटर में भी फटती है और समर्स में भी फटती है। तो आप बताओ आपका फेवरेट ड्यूरेशन कौन सा है जिसमें आपको राइड करना पसंद है। मुझे तो वैसे विंटर ही पसंद है, ठंडी एक बार फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, धूप ज़रा नहीं बर्दाश्त होती यार। भाई फुल टैंक डालो, कार्ड ले रहे ना, फुल टैंक डाल दो, कार्ड ले रहे ना, कितनी। ये जो टोपी है ना अंकल, यहाँ तक लेना। तो फाइनली गाइस अभी जाके मैं पहुँचा हूँ, और अभी टाइम कुछ हो रहा है 5:54, मतलब अभी आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पे आके, थोड़ा होटल का चेक इन वेक इन में थोड़ा टाइम लग गया मुझे, तो एग्जैक्टली 5:30 तक मैं आ गया था। और लेट बहुत ज़्यादा हो गया इस राइड पे, बिकॉज आपको बताया मैंने ट्रैफिक और धूप, मैं 2 से 3 बार बीच में रुका हूँ, लाइक इतने दिनों बाद निकला राइड पे, सीरियसली हालत ख़राब हो गई यार, ऐसा लग रहा है बस अब मुझे बेड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कल की तैयारी भी करनी है, तो देखते हैं अभी। तो गाइज आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, प्लीज़ मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और देख लो क्या हाल हो गए हैं, मिट्टी से चेहरे पे देख रहे हो क्या हाल हो गए भाई, देखो पूरा मिट्टी मिट्टी मिट्टी। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, अभी थोड़ा फ्रेंड्स लोग आने वाले हैं यहाँ पे, उदयपुर के फ्रेंड्स हैं अपने, तो उनसे मिलेंगे, उसका मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा, मैं उसको अगर कुछ मिला तो रील्स वील्स बनाएंगे, इंस्टा पे फॉलो करना उसके लिए, तो रील्स आपको दिखने मिल जाएगी वहाँ पे। बाय द वे गाइस, आप लोगों रूम टूर तो दिया ही नहीं मैंने, मैं रुका हूँ ली रॉय होटल उदयपुर रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है, तो ज़रा रूम तो देखिए गाइस, आई नो आप लोगों को मज़ा आएगा, जो प्राइस में मुझे मिला है ना वो प्राइस में तो मतलब मुझे तो सही लगा, अभी आप लोग देख लो।
क्या पचका हुआ है मेरा, मैं रूम टूर देने जा रहा था और रूम के बाहर आके सोचा कि मस्त ऐसा डोर खोल के ऐसा अंदर एंट्री करेंगे और लिटरली डोर लॉक हो गया यार। अभी इतनी थकावट में साला ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी मैंने क्यों ऐसा हरकत किया। आई नो आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, लेकिन अभी मेरे को कैसा लग रहा है वो मुझे ही पता है। मिलता हूँ आपको अभी रूम टूर नहीं दे रहा मैं आपको। तो ये है अपना रूम टूर, यहाँ पे अपना छोटा सा वॉशरूम, कुछ इस तरह, और फिर यहाँ से ये एक मिरर। और गाइस ये तो देखिए बेड, इस बेड को देख के मन कर रहा है बस आप लेट जाएं। और ये एक डेस्क, यहाँ पे अपन एडिटिंग करेंगे अगर मौका मिला तो, और यहाँ पे अपन चाय वाय पियेंगे बैठ के। और ये अपनी टीवी, पता नहीं इस पे कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है।